टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नोबेल प्राइज। आज मैं आप सभी के लिए नोबेल प्राइज के बारे में बात करेंगे और 10 भारतीय जिन्हें नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया, आइए उन्हें हम एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। नोबेल प्राइज जो कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल इज स्वीडिश केमिस्टिस्ट। वह एक स्वीडिश का एक बहुत बड़े केमिस्ट, इंजीनियर, फिलान्थ्रोपिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अल्फ्रेड नोबेल को उनके डायनामाइट की खोज करने के लिए जाना जाता है। अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट खोजने यानी अनुसंधान करने का श्रेय जाता है। एक नज़र उनके जीवन पर डाल लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म, डेट ऑफ बर्थ 21 अक्टूबर 1833, स्टॉकहोम स्वीडन में। उनकी मृत्यु, डेट ऑफ डेथ 10 दिसंबर 1896, सैन रेमो, इटली में। देख लेते हैं उद्देश्य को, किन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल अवार्ड, नोबेल प्राइज इज गिवन टू दोज हु हैव कॉन फॉर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स टू मैनकाइंड। नोबेल पुरस्कार उन लोगों को अथवा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो मानवता के लिए अथवा मानवता के लाभ के लिए कोई विशेष काम करते हैं, अनोखा काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड नोबेल्स विल ऑफ 1895, अल्फ्रेड नोबेल ने जीते हुए 1895 ईस्वी में घोषणा किया था कि उनके नाम से अल्फ्रेड नोबेल यानी नोबेल अवार्ड प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। उसी का अनुपालन करते हुए नोबेल अवार्ड की शुरुआत की गई। एक बार पुनः, नोबेल प्राइज इज गिवन टू दोज हु हैव गॉन फॉर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू मैनकाइंड। नोबेल प्राइज उन लोगों को दिया जाता है जो मानवता के लिए बहुत ही महान कार्य करते हैं अथवा कर चुके होते हैं। देखते हैं, आइए टॉप 10 इंडियंस जिन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया है। हम लोग देखें 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए दिया गया और गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। एक बार और दोहराएंगे, 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को लिटरेचर साहित्य के लिए दिया गया और इनके पुस्तक का नाम गीतांजलि। 1930 ईस्वी में सीवी रमन को भौतिकी के लिए दिया गया। 1968 हरगोविंद खुराना को मेडिकल, डीएनए इत्यादि की खोज करने के लिए दिया गया। 1979 मदर टेरेसा शांति अवार्ड से नवाजा गया, फॉर पीस। 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स भौतिकी के लिए दिया गया। 1998 अमर्त सेन को इकोनॉमिक अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। 2001 वीएस नायपल को लिटरेचर साहित्य लेखनी के क्षेत्र में अच्छे योगदान के लिए दिया गया। 2007 राजेंद्र चौधरी शांति के लिए दिया गया। 2009 बी रामकृष्णन केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के लिए इन्हें दिया गया। 2014 जिसे हम सभी बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं, कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए दिया गया। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन और अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के लिए काम करते हैं। इस प्रकार से टॉप 10 भारतीय जिन्हें अभी तक नोबेल अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं, जिनका लिस्ट दिया गया। आप सभी इसे तैयार करेंगे और कंपटीशन पर्पस से और जानकारी के पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक।